सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBA। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता क्या है बेसिकली? अब जैसे एक कंपनी क्या करती है, एक किसी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कोई बिजनेस सेटअप करना चाहती है, शेयर परचेज करना चाहती है, तो मतलब वो कुछ भी काम करना चाहती है तो उससे पहले वो क्या करेगी, कॉस्ट मेजरमेंट करेगी कि मेरी इसको करने में कॉस्ट कितनी आएगी और उसके बदले मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, मतलब कितना बेनिफिट होगा, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है और उससे मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। तो ये होता है हमारा कॉस्ट जो है एनालाइज करते हम कि एक कंट्री में उसने क्या करी, एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन करी, सब कुछ करा, उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेल किया। तो ये सब करने से पहले कॉस्ट एनालिसिस होती है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतनी कॉस्ट आ रही है, उससे बेनिफिट इतना होगा, ठीक है, उसका प्रॉफिट इतना होगा। तो ये सब कुछ एनालाइज करना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहलाता है, जो है CBA। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच बिजनेस डिसीजन आर एनालाइज्ड, द बेनिफिट ऑफ अ गिवन सिचुएशन और बिजनेस और बिजनेस रिलेटेड एक्शन are summed and then the cost associated with taking that action subtracted। तो बेसिकली वो जब भी एक्शन लेते हैं इसके बिहाफ पे कि हमारा बिजनेस वहाँ पर कैसा रहेगा, अगर हम इतनी कॉस्ट लगा रहे हैं तो हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, इतनी कॉस्ट लगाने पे इतना बेनिफिट है, इतने रिटर्न्स हैं, इतने प्रॉफिट्स हैं, तो वो सब कुछ एनालाइज किया जाता है। उसके बाद ही एक बिजनेसमैन दूसरी कंट्री में बिजनेस सेटअप करता है, बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके बाद ही ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBA।